हेलो स्पोर्ट्स कॉलर्स। वैसे तो टी ट्वेंटी इंटरनेशनल की शुरुआत 2003 में हुई और पहला टी ट्वेंटी इंटरनेशनल 5 अगस्त 2004 को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला गया। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिकेटर की जिसने अभी तक होने वाले तमाम टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप्स में अपने मुल्क को प्रेजेंट किया है। ये वो खिलाड़ी हैं जो अपने परफॉर्मेंस से हर किसी को नाखून चबाने पर मजबूर कर देते हैं। 2007 का वर्ल्ड कप सिर्फ इनके लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए भी एक नया सवेरा था। इस खिलाड़ी ने अपने शानदार खेल से ना सिर्फ टीम को सपोर्ट दिया बल्कि उनकी जीत की राह पर भी ले आया। 2007 टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के फाइनल में इनकी परफॉर्मेंस इंडियन टीम की जीत के लिए मददगार साबित हुई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन प्लेयर की जिसने एक यंग इंडियन क्रिकेट टीम को 2007 में होने वाले टी ट्वेंटी इंटरनेशनल के पहले मेगा इवेंट यानी वर्ल्ड कप 2007 में ज्वाइन करके अपने टी ट्वेंटी करियर का आगाज किया। इंडियन टीम में जगह तो खैर इस प्लेयर ने 2007 में ओडीआई में ही कर ली थी मगर इनका टी ट्वेंटी करियर परवान चढ़ा आईपीएल की वो 5 ट्रॉफीज की वजह से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन प्लेयर रोहित शर्मा की जिन्होंने 2007 से लेकर 2022 तक के होने वाले तमाम टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया और हो सकता है 2024 रोहित शर्मा का आखिरी वर्ल्ड कप हो। 2007 टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में रिवायती हरीफ पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने का मौका ना मिल सका मगर ग्रुप एट स्टेज में इंग्लैंड के अगेंस्ट प्लेइंग 11 में नाम आया मगर उस दिन युवराज सिंह की बदौलत बैटिंग करने का मौका ना मिल सका। खैर उस मैच के बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। ग्रुप एट के डिसाइडर मैच में जो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट होना था रोहित शर्मा को 5वें नंबर पर बैटिंग करने का मौका मिला। रोहित शर्मा ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट अनबिटन 40 बॉल्स पे 50 स्कोर करके इंडियन टीम की जीत में एक बेहतरीन किरदार अदा किया। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट सेमीफाइनल में 5 बॉल की एक इनिंग्स में भी हिटमैन ने एक सिक्स जड़ दिया था। स्पोर्ट्स स्कॉलर 24 सितंबर 2007 का वो दिन जब एक इनएक्सपीरियंस इंडियन टीम ने पहला टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप जीत तो लिया मगर हाइलाइट्स ऑफ द मैच रोहित शर्मा की 16 बॉल्स की 30 रन की इनिंग भी रही जिसने इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने में मदद की। 2009 के टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में चूंकि इंडियन टीम सुपर एट स्टेज में टूर्नामेंट से बाहर हो गई मगर रोहित शर्मा इंडियन टीम की तरफ से लीडिंग रन स्कोर में 2 नंबर पर रहे। 5 मैचेस में रोहित शर्मा ने 122 के स्ट्राइक रेट से 131 रन जोड़े जिसमें आयरलैंड के अगेंस्ट 150 भी शामिल थी। 2010 में रोहित शर्मा को सिर्फ 3 मैचेस खेलने को मिले और इन 3 मैचेस में से भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हिटमैन ने 79 नॉट आउट की इनिंग्स खेलकर ये तो बता दिया कि वो एक मुकम्मल बैट्समैन जरूर हैं। गो के इंडिया वो मैच हार गई मगर रोहित शर्मा उभर कर सामने आए। वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सिर्फ 5 रन बना सके जबकि श्रीलंका के अगेंस्ट बैटिंग ना आ सकी। 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप इंजरी की वजह से मिस करने के बाद रोहित शर्मा 2012 टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में कोई खास परफॉर्मेंस ना दे सके और 5 मैचेस में सिर्फ 82 रन बना सके जिसमें इंग्लैंड के अगेंस्ट बनाई हुई 50 भी शामिल है। 2014 टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा परमानेंटली एक ओपनिंग बैट्समैन बन चुके थे मगर क्या आप लोगों को पता है रोहित शर्मा ने पहली मर्तबा ओपनिंग कब की थी? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा कि रोहित शर्मा ने ओपनिंग एक्चुअल में कब की थी। खैर तो बात करते हैं 2014 टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप की तो रोहित शर्मा ने 2014 टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में फाइनल को मिलाकर 6 मैचेस खेले और इस टूर्नामेंट में 250 के साथ 200 रन स्कोर किए और स्ट्राइक रेट 123.46 रहा। 2012 के वर्ल्ड कप की तरह 2016 का टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप भी रोहित शर्मा के बैट से रन्स ना उगल सका और पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 88 रन बना सके। हाईएस्ट स्कोर 43 रन रहा और वो भी वेस्टइंडीज के अगेंस्ट। 2021 के टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा पाकिस्तान के अगेंस्ट पहली मर्तबा टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में डक पर आउट हुए। अफगानिस्तान और नामीबिया जैसी टीम से अगेंस्ट रोहित शर्मा 50 स्कोर कर सके। ओवरऑल वर्ल्ड कप पे अगर नज़र डाली जाए तो पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ 174 रन बना सके मगर स्ट्राइक रेट 151.30 रन रहा। 2022 के टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म रहे। नेदरलैंड्स के अगेंस्ट हाफ सेंचुरी तो स्कोर करी मगर इस फॉर्म को बरकरार ना रख सके और पूरे वर्ल्ड कप में 106.42 के स्ट्राइक रेट के साथ सिर्फ 116 रन स्कोर कर सके। टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप के आगाज़ यानी कि 2007 से लेके पिछले हुए वर्ल्ड कप यानी कि 2022 के वर्ल्ड कप तक रोहित शर्मा वो वाहिद प्लेयर हैं जो अभी तक प्लेइंग 11 का हिस्सा हैं और इनके साथ बांग्लादेश के टॉप ऑलराउंडर शकीब उल हसन भी हैं जो 2007 से लेकर 2024 तक का वर्ल्ड कप खेले हैं।
हालांकि शकीब उल हसन पिछले एक साल से नेशनल टीम का हिस्सा नहीं है, रोहित शर्मा के तमाम वर्ल्ड कप्स की परफॉर्मेंस को समअप किया जाए तो 31.79 रन की एवरेज के साथ 139.93 के स्ट्राइक रेट से रोहित शर्मा ने 39 मैचेस में 963 रन स्कोर किए, जिनमें 950 भी शामिल हैं। वीडियो के बीच में मैंने आप लोगों से पूछा था कि रोहित शर्मा ने 2014 से पहले ओपनिंग कब की थी, तो इसका जवाब ये है कि वीरेंद्र सहवाग जो कि शोल्डर इंजरी का शिकार हो गए थे, इंडियन कैप्टन एमएस धोनी ने अपने तुरुप के रोहित शर्मा से ओपनिंग करवाई 2009 के T20 वर्ल्ड कप में और इनका साथ दिया था गौतम गंभीर ने। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।